प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत सोमवार को शिव पार्क मलाकराज कीरगंज में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्र की सेवा का कार्य हो रहा है। नंदी ने कहा कि स्वस्थ समाज की दिशा में यह कदम जनसेवा के प्रति हमारे सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिविर में करीब 400 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 करोड़ प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को था, उसी दिन से एक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जन का भी उसमें भागीदारी हो, इसके लिए स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता का कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, इस तरह के बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं। शिक्षण भी कराना, चाहे उनको चश्मे की जरूरत हो आंख दिखाना हो, चाहे डायबिटिक चेक कराना हो, चाहे और भी जो भी प्रॉब्लम है, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं। सीएमओ साहब खुद यहाँ पर, जो जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी टीम बैठी है, लोगों को इलाज भी कर रही है, लोगों को चेकअप भी कर रही है, दवा भी दे रही है। जब मायावती का जन्मदिन मनाया जाता था तो नोटों की माला पहनाई जाती थी, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को लक्ष्य दिया जाता था पैसे का। आपको याद है, यही प्रदेश में मायावती जी का जब जन्मदिन होता था तो नोटों की माला पहनाई जाती थी और सबको टारगेट दिया जाता था, बूथ अध्यक्ष से लेकर के विधायक से लेकर के सभासद तक की पैसा दो, करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाते थे। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सैफई में नाच गाना होता था, करोड़ों रुपया नाच गाने पर खर्च होता था, फिल्म इंडस्ट्री और विदेशों से कलाकार आते थे, जनता के टैक्स का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा सैफई में खर्च होता था। जब मुलायम सिंह जी का जन्मदिन होता था तो सैफई में फिल्म के हीरो हीरोइन आकर के वहां अथाह रुपया पैसा खर्च किया जाता। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत जनता की सेवा, समाज की सेवा, प्रकृति की सेवा और राष्ट्र की सेवा का कार्य किया जा रहा है। पूरा भारत विकसित भारत का स्वरूप ले, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। लेकिन हम सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता हो, 140 करोड़ लोग कैसे स्वस्थ रहें, कैसे समृद्धशाली हों, इसके लिए पूरा सप्ताह क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके आस पड़ोस के लोग, जो मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी चिंता की जा रही। अब पूछे अखिलेश से क्या। नंदी ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में गुंडों, माफियाओं और बदमाशों का राज चलता था। गुंडे माफिया जिसका चाहे उसका मकान कब्जा कर लेते थे। आज गुंडई करने वाले कहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, प्रयागराज तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सीएमओ डॉक्टर आशु पांडे, अर्बन नोडल अधिकारी एनएचएम डॉक्टर रावेंद्र सिंह, डिप्टी डीएचआईओ अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर हीरानंदन नेत्र चिकित्सक, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव डेंटिस्ट, डॉक्टर राकेश सिंह फिजिशियन, डॉक्टर प्रीति गुप्ता आयुष्मान भारत योजना इंचार्ज और गायनोकोलॉजी, डॉक्टर अमित यादव चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट प्रकाश सिंह पटेल की टीम ने 400 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। कई लोगों को निःशुल्क दवाएं भी दी गईं। इस अवसर पर प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, महानगर उपाध्यक्ष अनिल केसरवानी झलर, मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र मिश्रा, मंडल महामंत्री राहुल भारद्वाज, मंडल महामंत्री आभा द्विवेदी, मुट्ठीगंज मंडल अध्यक्ष किशोरी लाल जायसवाल, महामंत्री परमानंद वर्मा, मीरापुर मंडल अध्यक्ष रणविजय सिंह, चौक मंडल अध्यक्ष सुमित वैश्य, महामंत्री शिव मोहन गुप्ता, नैनी मंडल अध्यक्ष दिलीप केसरवानी,
रेखा यादव, मंडल उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडे, मीनू पांडे, सनी सोनकर मंडल, मंत्री संदीप श्रीवास्तव, कबीर जायसवाल, सेक्टर संयोजक आशीष गौतम, पवन दुबे, दीप द्विवेदी, मधुमिता नाथ, सतीश चंद्र राव, आनंद जायसवाल, प्रण विजय सिंह आदि मौजूद रहे।